अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ायज़ा स्कॉर स्कॉट। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ अल्फा 7 मोटर्स की PWG वाली ब्रांच पर, जहाँ पर मैं आपको इंतहाई खूबसूरत गाड़ियों का रिव्यू करवाऊँगी और इन गाड़ियों से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपको गाड़ी लेते हुए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। इस इन्फॉर्मेशन में गाड़ी की क्या कंडीशन है, किस प्राइस ब्रैकेट में आपको ये गाड़ी मिल रही है और आया कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं कि नहीं, ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। तो वीडियो में जो पहली गाड़ी है मेरे पास वो है मिट्सुबिशी पजारो, 2003 का मॉडल है और 2019 की जर्मन एम्बेसी ऑप्शन ये गाड़ी है। इस्लामाबाद नंबर की ये गाड़ी है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, जिसमें मैं आपको इसके फ्रंट ग्रिल्स, लाइट्स और बम्पर वगैरह की कंडीशन दिखा देती हूँ और इसके बोनेट की कंडीशन आपके सामने है। फिर आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, फ्रंट से ये गाड़ी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक में मिल रही है और अच्छी कंडीशन में मिल रही है। तो फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट दिखाने के बाद मैं आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ लेकर चलती हूँ, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाड़ी के टायर्स दिखा देती हूँ। गाड़ी के जो टायर्स हैं वो हमें 70-80% मिल रहे हैं और जिसमें हमें अलार्म भी इंस्टॉल मिलेंगे। ओवरऑल टायर की कंडीशन दिखाने के बाद मैं आपको गाड़ी के फेंडर की कंडीशन दिखा देती हूँ। फेंडर भी आप देख सकते हैं कि फ्रंट की तरह हमें गाड़ी का फेंडर भी साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको गाड़ी की राइट साइड की डोर्स दिखा देती हूँ और डोर हैंडल और साइड व्यू मिरर वगैरह भी दिखा देती हूँ, जिसकी कंडीशन आपके सामने है। और गाड़ी के राइट साइड पर मैं आपको इसके फुट स्टेप की कंडीशन दिखा देती हूँ। ओवरऑल गाड़ी की राइट साइड हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रही है। इसके बाद मैं आपको गाड़ी का बैक कैबिन दिखाऊंगी। गाड़ी के बैक कैबिन की कंडीशन में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है जी। व्यूअर्स, तो राइट साइड में मैं आपको गाड़ी की डिटेल कंडीशन दिखा देती हूँ, जिसमें इसके राइट साइड के दोनों डोर्स और राइट साइड का कैबिन जो है उसकी कंडीशन आपके सामने है। आप देख सकते हैं हमें काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में ये गाड़ी मिल रही है। इसके बाद हम चलेंगे गाड़ी की बैक साइड प्रोफाइल की तरफ और बैक साइड प्रोफाइल की डिटेल कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ। स्पेयर टायर इसमें हमें इंस्टॉल मिलेगा। ओवरऑल कंडीशन की बात करूँ तो राइट साइड की तरह अच्छी कंडीशन में बैक साइड में मिल रही है। स्पॉयलर भी हमें इंस्टॉल मिलेगा और उसमें LED लाइट भी इंस्टॉल मिलेंगी। ओवरऑल कंडीशन आप देख लें, बैक की कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है जी। व्यूअर्स, तो बैक की डिटेल कंडीशन दिखाने के बाद मैं आपको लेकर चलूँगी गाड़ी की लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ और लेफ्ट साइड की कंडीशन दिखाऊंगी कि हमें गाड़ी लेफ्ट साइड से कंडीशन में मिल रही है जी। व्यूअर्स, तो गाड़ी की लेफ्ट साइड की भी डिटेल कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें इसके दोनों डोर्स हैंडल्स वगैरह शामिल हैं। गाड़ी लेफ्ट साइड से भी व्यूअर्स हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रही है। आप पेंट भी इसका चेक कर सकते हैं और ओवरऑल इसके एक्सटीरियर को आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमें अच्छी कंडीशन में मिल रही है। साथ ही अगर गाड़ी की छत की हम बात करें तो गाड़ी की छत में हमें रूफ रेल भी इंस्टॉल मिलेगा। ओवरऑल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो बाकी एक्सटीरियर की तरह गाड़ी का छत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। ओवरऑल व्यूअर्स, हमें गाड़ी का कंप्लीट जो एक्सटीरियर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। डिटेल में मैंने आपको गाड़ी के एक्सटीरियर दिखा दिए। इसके बाद चलेंगे हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो एक्सटीरियर के बाद चलते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाड़ी का दरवाज़ा दिखा देती हूँ। गाड़ी का जो दरवाज़ा है हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में मिल रहा है। इसकी साइड्स वगैरह भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इसी तरीके से डोर पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी के जो डोर पिलर्स हैं वो बिल्कुल हमें इंटैक्ट मिल रहे हैं, रिपेयर नहीं हुए हुए। इसी तरीके से मैं सीट्स की तरफ चलूंगी। सीट्स जो हैं वो फैब्रिक में हमें मिल रही हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमें सीट्स मिल रही हैं। गाड़ी की दोनों सीट्स दिखाने के साथ ही मैं आपको इसकी कंसोल की कंडीशन दिखा देती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी है, LED पैनल इंस्टॉल मिल रहा है हमें। इसी तरीके से गाड़ी का जो AC है वो भी हमें वर्किंग कंडीशन में मिल रहा है। ओवरऑल डिटेल में मैं आपको कंडीशन दिखा देती हूँ फ्रंट की। फ्रंट का कैबिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी लश कंडीशन में मिल रहा है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमें इसका फ्रंट कैबिन मिल रहा है। आपको मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की कंडीशन भी दिखा देती हूँ, इसकी कंडीशन में आप देख लें। फ्रंट कैबिन डिटेल दिखाने के बाद फिर मैं आपको गाड़ी के बैक डोर्स और बैक सीट्स वगैरह की कंडीशन दिखा देती हूँ जी। व्यूअर्स, तो बैक डोर की तरफ हम चलते हैं और डोर की कंडीशन देखते हैं कि गाड़ी के बैक डोर्स हमें किस हालत में मिल रहे हैं। व्यूअर्स, फ्रंट की तरह आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो बैक डोर है वो भी हमें साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल रहा है। साइड्स वगैरह भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, कहीं से दरवाज़ा हमें डैमेज नहीं मिल रहा और ना ही रिपेयर मिल रहा है। इसी तरीके से डोर पिलर्स की तरफ चलूँगी। गाड़ी के जो डोर पिलर्स हैं वो भी इंटैक्ट अपनी जगह हैं, बिल्कुल रिपेयर नहीं हुए हुए। गाड़ी के डोर पिलर्स दिखाने के बाद हम सीट्स की तरफ चलते हैं। सीट्स बैक की आप देख सकते हैं व्यूअर्स, के फ्रंट की तरह गाड़ी की जो बैक सीट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमें मिल रही हैं। और गाड़ी का जो डिटेल इंटीरियर है वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो इंटीरियर है वो एक्सटीरियर की तरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रहा है।
जी भी तो गाड़ी का डिटेल इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने आपको दिखा दिया है। बात की जाए इस खूबसूरत गाड़ी की डिमांड की व्यूज़, तो आस्किंग प्राइस तो उस गाड़ी की जो बताई जा रही है वो 41 लाख बताई जा रही है, लेकिन अगर आप सीरियस प्राइस हुए गाड़ियों में इंटरेस्टेड हुए तो उसकी प्राइस में नेगोशिएशन हो जाएगी। गाड़ी को अगर आप फिजिकली चेक करना चाहें तो अल्फा सेवन मोटर्स का विजिट कर सकते हैं, और अगर आप गाड़ी की मज़ीद डिटेल जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर रब्ता करके आप गाड़ी की मज़ीद डिटेल भी ले सकते हैं। इस खूबसूरत गाड़ी की बात चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। वीडियो में जो नेक्स्ट गाड़ी है हमारे पास वो है सुजुकी सियाज। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें इसकी ग्रिल्स लाइट्स वगैरह की कंडीशन आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हमें ये गाड़ी मिल रही है, जो कि जेन्युइन में पेंट पे है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये गाड़ी बहुत ही कम चली हुई है और जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार। उसके बाद आपको गाड़ी की राइट साइड प्रोफाइल दिखा देती हूँ, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टायर्स की कंडीशन दिखाऊंगी। 80% इसके टायर हैं, जिसमें लाइनिंग भी आपको इंस्टॉल मिलेंगे, और साइड से इस गाड़ी की कंडीशन फ्रंट की तरह बहुत अच्छी है। फेंडर भी साफ़ सुथरी कंडीशन में है। दोनों डोर्स देख सकते हैं कि बिल्कुल स्क्रैचलेस आपको गाड़ी की दोनों डोर्स मिल रहे हैं। हैंडल्स वगैरह की कंडीशन भी आपके सामने है, और साइड की मिरर की भी। ओवरऑल राइट साइड की कंडीशन दिखाने के बाद मैं आपको गाड़ी की बैक साइड प्रोफाइल की तरफ लेकर चलूँगी। यहाँ पर भी उस स्पेस थोड़ी कम है, तो इस वजह से गाड़ी की आपको मैं कोशिश करूँगी कि एक्सटीरियर वाइड कंडीशन दिखा दूँ सही तरीके से। बैक साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ क्रोम इंस्टॉल्ड है उसकी शाइनिंग भी एज इट इज़ हमें मिल रही है, और लाइट्स वगैरह की कंडीशन भी आपके सामने है। बैक से भी गाड़ी बिल्कुल लश कंडीशन में मिल रही है, साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल रही है। इसी तरीके से अगर लेफ्ट की मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड की कंडीशन में आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो दोनों डोर्स हैं, ओवरऑल टायर्स वगैरह हैं, साइड की जो कंडीशन है एक्सटीरियर में वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। छत की अगर मैं बात करूँ, छत भी बिल्कुल स्क्रैचलेस मिल रहा है और जेन्युइन अपनी कंडीशन में मिल रहा है। इसके बाद चलेंगे हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। ओवरऑल जो गाड़ी का इंटीरियर है उसकी कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ। साइड्स वगैरह मैंने आपको चेक करवा दी हैं। गाड़ी की जो सीट्स हैं वो लेदर में इंस्टॉल्ड हैं, जो मस्टर्ड और ब्लैक कलर में है। गाड़ी का जो मस्टर्ड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है वो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाता है। कंसोल की कंडीशन आपके सामने है। मैनुअल ट्रांसमिशन ये गाड़ी है। स्क्रैचलेस गाड़ी का डैशबोर्ड है, और जो एसी है वो वर्किंग कंडीशन में है। एलईडी पैनल आपको गाड़ी में इंस्टॉल मिलेगा। ओवरऑल अगर फ्रंट कैबिन की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो फ्रंट कैबिन है वो हमें बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में मिल रहा है। किसी किस्म का स्क्रैच कहीं से आपको फ्रंट कैबिन डैमेज नहीं मिल रहा। तो फ्रंट की तो मैंने ओवरऑल कंडीशन आपको दिखा दी है। इसी तरीके से अगर बैक की बात करूँ तो गाड़ी का जो बैक डोर है और बैक की सीट्स हैं वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रही है। डिटेल में मैं आपको दिखा देती हूँ कि गाड़ी का जो बैक कैबिन है वो भी साफ़ सुथरी कंडीशन में है, और जो डोर्स हैं वो भी हमें बिल्कुल अपनी कंडीशन में मिल रहे हैं। खूबसूरत गाड़ी की तमाम डिटेल मैंने आपको दे दी है। अगर इस गाड़ी को आप ख़रीदने में इंटरेस्टेड हुए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर रब्ता करके आप इस गाड़ी का जो है वो रेट भी ले सकते हैं, और इसी तरीके से आप अल्फा सेवन मोटर्स का विजिट करके गाड़ी को फिजिकली चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो की मैं आपको गाड़ियाँ पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आएंगी तो प्लीज़ अपने पॉजिटिव फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबसे ज़्यादा चाहूँगी अल्लाह हाफिज़।